माटी मानस अर्जुन कला संग्रहालय द्वारा आयोजित अर्जुन कला अवार्ड और आज जो हमने उनकी बनाई हुई मूर्ति शिल्प को देखा उस समारोह में माननीय निम्बाराम जी क्षेत्रीय प्रचारक राष्ट्रीय स्वयं संघ उनका मार्गदर्शन हमको मिला। लोकसभा में मेरे सहयोगी सांसद डॉक्टर रामचरण बोरा जी विशिष्ट जन अतिथिगण और मूर्ति कला क्षेत्र के अंदर विभिन्न कलाकार और जिनको अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपनी कला विधा कलाकृति में श्रेष्ठ काम किया जिनको आज अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया वह सभी अतिथिगण भाई और बहनों आज हमारे बीच में वो महान मूर्तिकार वो शिल्पकार वो कलाकार वो साधक जिसने अपनी कला से अपनी साधना से राजस्थान का नाम देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात किया, दुनिया भर के लोग उनकी कलात्मक साधना को यहां पर देखने आते थे, देश के अलग अलग हिस्सों से जहां कहीं भी मूर्ति कला की बात आती थी तो उनको राजधानी जयपुर के अंदर अर्जुन जी के द्वारा बनाई गई मूर्ति हमारे कई महान पुरुष देवी देवताएं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कई महान भावों राजस्थान की कला संस्कृति यहां का गौरव यहां का त्याग समर्पण ये सब उन्होंने अपनी कला से बनाकर देश और दुनिया में राजस्थान का गौरव सम्मान बढ़ाया। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी जब यहां पर आते थे और जिस तरीके से उन्होंने उनकी उपस्थिति के अंदर उस मिट्टी की को किस तरीके से अपने हाथ की कलाओं से उनकी मूर्ति बनाकर उनको दिखाया वो अचंभित रह गए कि भारत में ऐसे कला साधक भी हैं। मुझे तो पता है कि देश के अलग अलग हिस्से के लोग आज भी अगर कोई भगवान की मूर्ति हो कोई महापुरुष की मूर्ति हो युग प्रणेता की मूर्ति हो अगर उसको बनाने आते हैं तो राजस्थान में जयपुर में आते हैं और ये देन दी तो अर्जुन जी ने दी। आज मैं उनके तीनों पुत्र को बहुत बहुत बधाई देता हूं राजेंद्र जी सुनील जी मुकेश जी उनके सभी परिवारों जन को जिन्होंने उनकी याददाश्त ताजा रहे
कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अर्जुन कला अवार्ड के माध्यम से सभी लोग अपनी कलाकृति को, अपनी कला को समय समय पर अपनी साधना को देश और दुनिया में नाम करें, उनको अवार्ड मिले, सम्मानित हो, ताकि उनको भी स्वर्गीय अर्जुन जी से प्रेरणा मिले। महानुभाव, दुनिया के अंदर व्यक्ति रहने रहे, व्यक्तियों के विचार, उनकी कला, उनके द्वारा किए गए समाज कल्याण के कार्य, उनका सादगीपूर्ण जीवन हम सबको हमेशा प्रेरणा देता है। और इसीलिए आज भारतीय संस्कृति के अंदर उन सब महापुरुषों की, उन कलात्मक साधनों की प्रेरणा से हम आज भी हमारे देश में कला संस्कृति को जीवंत रख रहे हैं। देश का गौरव बढ़ाने वाला है राजस्थान, जिसने शौर्य के रूप में अपना गौरव बढ़ाया, त्याग समर्पण से अपना गौरव बढ़ाया, यहां की संस्कृति, यहां की कला, हमारे नौजवान सैनिक जो देश की रक्षा आज भी कर रहे हैं, उसके कारण दुनिया के अंदर राजस्थान का गौरव सम्मान हमेशा है, और वो गौरव सम्मान हमारे उन पूर्वजों ने जिन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, उनके कारण राजस्थान का गौरव सम्मान है। साथियों, अर्जुन जी ने केवल कलात्मक साधना नहीं की, उन्होंने कहा कि मेरी कलात्मक साधना को, मेरी कला को राजस्थान देश और देश के बाहर भी मैं नए कलात्मक साधक पैदा करूं। उसके लिए उन्होंने कला प्रशिक्षण केंद्र खोला, देश विदेश के नौजवान, 9000 से ज्यादा नौजवानों को उन्होंने कला प्रशिक्षण के माध्यम से एक शिल्पकार के रूप में अपनी जो भी दक्षता थी, अपना जो भी ज्ञान कौशल था, उसको उन्होंने उनको बीच में बांटा, ताकि वो दक्ष कौशलता केवल परिवार तक सीमित न रह जाए, वो दक्ष कौशलता देश के हर कोने में पहुंचे और देश के बाहर भी पहुंचे। इसलिए हम सब अर्जुन जी को नमन करता हूं। अर्जुन जी ने केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उनके कार्यों के कारण उनको कई सम्मान मिला। भारत में हम सबका गौरव सम्मान पद्मश्री से अवार्ड मिला, और अवार्ड की एक लंबी लाइन है जो राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी कला सर्जन को, उनकी कलात्मक साधना को विभूषित करने का काम किया। उन्होंने समाज के उन अभाव, गरीब, वंचित, परित्यागी महिलाएं, विधवा महिलाएं को भी कला के माध्यम से, जहां उनके रोजगार के अवसर प्राप्त हो और रोजगार के नया सृजन प्राप्त हो,
इसके लिए दूर दराज के गांव में उन्होंने कई क्षेत्रों में जाकर वहां पर अपनी कला का सृजन और उसकी विद्या को समाज के उस अभाव वंचित लोगों तक पहुंचा। संकट के समय उनका समर्पण हम सबको स्मरण करता रहेगा। हम सब जानते हैं कि उनके बारे में जितना कहूं उतना कम है। शब्दों में उनकी कलात्मक, उनकी सृजनता, उनकी साधना को बांधा नहीं जा सकता। उनके द्वारा एक एक शिल्पकार बनाई गई मूर्तियां जो आज भी दुनिया के अंदर ऐसा कोई शिल्पकार नहीं हुआ। अभी आप एक देख रहे हैं बनीठनी का एक फुट, आपको लगेगा एक जीवंत है, एक ऐसी कलाकार जिसने अपनी विचार को, सोच को, भावनाओं को अपने हाथों से किस तरीके से सृजन किया है। ऐसे कलाकार को हम किसी सीमित दायरे में नहीं बांध सकते। उनकी कला साधना हम सबको नई प्रेरणा देती रहेगी। मैं आज इस मौके पर उनके तीनों पुत्रों को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने संकल्प लिया इस कार्य को आगे बढ़ाने का, जिन विचारों को, जिस कला को, जिस साधना को उन्होंने समाज में बांटने का संकल्प लिया था। परिवार ने भी यही संकल्प लिया है कि समाज के उन तमाम क्षेत्रों के अंदर हम हमारी कला, हमारी सृजनता, पिताजी की साधना को पहुंचाने में भरपूर सहयोग करेंगे। और विद्या जितनी बांटी उतनी बढ़ती है, और इसीलिए अच्छा कलाकार, शिल्पकार, साधक वही होता है जो अपनी साधना को, अपनी कला को समाज के सभी क्षेत्रों के अंदर अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। समय परिवर्तनशील हुआ है और उस परिवर्तन के साथ हमें भी उस दिशा की ओर बढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास सुनहरे भविष्य, सुनहरे सपने। पहले कितनी भी अच्छी कलाकृति, साधक हो, उसका एक सीमित दायरा होता था प्रचार प्रसार का। आज दुनिया के अंदर जिस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी का युग शुरू हुआ, भारत ने भी सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए। और इसीलिए यहां की मूर्ति कलाकार हो, यहां के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों, आज एक मूर्ति कलाकार अपनी मूर्ति को बनाकर दुनिया को प्रदर्शित, इंटरनेट के माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जयपुर में बैठकर दुनिया को दिखा सकता है। हमारे यहां के जितने भी, इसको हीरो की नगरी कहा जाता है, यहां पर जो हमारी जयपुर की कलाकृति है स्वर्ण आभूषण बनाने की, यहां के हीरे जवाहरात की कलाकृति को, यहां की सांगानेर प्रिंट को, अलग अलग क्षेत्रों के यहां के कार्य को आज मैं देखता हूं कि दुनिया किस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक नए विश्वव्यापी व्यापार को नया साधन मिला है कि हम यहां पर बनाकर दुनिया को अपनी कलाकृति और सृजनता को दिखा सकते हैं। ये ताकत हमें नए आधुनिक भारत में हमें ताकत भी लेनी पड़ेगी, लेकिन हमारी विरासत को संभाल कर रखना पड़ेगा। हमारी ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति भी हमारी जीवंत रहे, लेकिन आधुनिकता के साथ नए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हम किस तरीके से
अपनी कला को दुनिया में पहुंचा सकते हैं। इसके लिए मैं अर्जुन जी के तीनों पुत्रों को कहूंगा कि दुनिया में अर्जुन जी की कला संस्कृति को पहुंचाने का काम करें, उनके संग्रहालय के उनके कामों को हम दुनिया में दिखाएं, ताकि दुनिया के लोग भी राजस्थान जयपुर की ओर आकर्षित हो, पर्यटन को देखने आए, पर्यटन के साथ साथ पिताजी के किए गए कार्यों को, इस संग्रहालय को भी देखने आए। दुनिया के अंदर कई संग्रहालय लोग देखने जाते हैं, हम अपने पर्यटन के नक्शे में अर्जुन माटी अर्जुन कला संग्रहालय भी एक उसके साथ जोड़े, ताकि अर्जुन जी की कला हमेशा जीवंत रहे, उनकी साधना हमेशा जीवंत रहे और उनकी साधना कला हम सबको नई प्रेरणा देती रहे। आप सभी को इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।